गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक और स्टॉक्स बताऊंगा। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी ना इलेक्ट्रॉनिक बस बनाती है, यानी कि ये पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही है। और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा आजकल हमारी सरकार बहुत ज़्यादा दे रही है। पूरी तरह 2030 या 40 तक पूरे देश में जो ग्रीन फील्ड को ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, उसी को हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं। यहाँ पर जो कार्बन की उत्सर्जन है वो जीरो किया जाएगा भाई। कार्बन इमिशन जो है, कार्बन इमिशन को बिल्कुल जीरो किया जाएगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, उसी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि आजकल ई कार, इलेक्ट्रॉनिक्स कार भी आ रही हैं, ई बस भी आ रही है। तो ये कंपनी ना ई बस बना रही है। और इसने अपना दूसरा जो सेकंड प्लांट है ये नॉर्थ इंडिया में भी बनाने जा रही है। नॉर्थ इंडिया में 2021 तक ये अपना सेकंड प्लांट बनाएगी। और दूसरा इसका अचीवमेंट ये है कि चाइना की एक कंपनी है जिसके साथ इसका जॉइंट वेंचर हुआ है, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन ये अपना बढ़ा रही है। और इसने 1 ईयर्स में 900% तक का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि अभी स्टार्टिंग ही है इसकी। जब इसने अगर आप इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करते हो तो मैं समझ सकता हूँ 7 से 10 सालों में ये जो इसका जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फील्ड है बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पूरी तरह ग्रो हो जाएगा। और इसमें आपको अगर आप लाखों रुपये बनाते हो तो मैं बता रहा हूँ करोड़ों में ये चेंज हो जाएंगे आपके रुपए, क्योंकि आगे जाके ई बसों का ही बहुत ज़्यादा चलन होगा। ये डीजल पेट्रोल वाली पूरी तरह बंद ही हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं। और पहले मैं आपकी इसकी वेबसाइट पर ले जाता हूँ। ये देखो, ओलेक्ट्रा बस है, ओलेक्ट्रा कंपनी का नाम है। इसकी जो बसें हैं ये देखो, ये पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर आधारित हैं, पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर आधारित ये हैं, 100% इको ट्रैवल। ये देखो आपको लिखा दिख रहा होगा 100% इको ट्रैवल। आपको मैं नीचे दिखाता हूँ किस तरह की बसें बनाती हैं। ओलेक्ट्रा VYD ईवज और ओलेक्ट्रा इंसुलेटर पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर ये वर्क कर रही है। और K6 ईबस, K7 ईबस और K9 ईबस ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड हैं। इसमें कोई भी डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं है, पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स पर हैं। और आगे भी जो हमारा फ्यूचर है वो भाई साहब इन्हीं पर डिपेंड रहेगा। अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा इसमें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको फंडामेंटली बता देता हूँ। और जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 70% ई बस से ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बस से आता है 70% रेवेन्यू। तो इसका जो मार्केट कैप अभी है वो 4,723 करोड़ का है। और जो स्टॉक का PE है वो 326 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 2.50 है। और डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड इस पर 809 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट एनुअल 808 करोड़ का है। तो एक तरह की ये डिविडेंड फ्री कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग 51.57 है, 51.7 है। अगर हम इसके रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात की जाए तो 1.13 है। फ्री कैश फ्लो इसके पास बहुत है, 741। और डिविडेंड टू इक्विटी बहुत कम है, 0.01। और डिविडेंड यील्ड बहुत कम दे रही है, जीरो दे रही है, नहीं दे रही है एक तरह की। और रिटर्न ओवर 1.3 में 933%, देख लो 933%, 900 से ज़्यादा ही दिया है। और EPS की बात की जाए तो 1.76 रुपीस EPS है। और क्वार्टरली जो प्रॉफिट है इसने 126% बढ़ाया है। और ये क्वार्टरली जो सेल्स है इसने 90% तक बढ़ाया है। अगर हम इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेबिट और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री, है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्ड। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 6.38 times इट्स बुक वैल्यू। और डिविडेंड पे आउट नहीं दे रही है। प्रोमोटरों की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 3% डाउन हुई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 0.59 लास्ट 3 ईयर्स में डाउन हुआ है। और डिविडेंड्स डे हाई हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी ऑर्चिड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ये। और इसके हम रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके रिटर्न्स इसने किस तरीके के दिए हैं।
रिटर्न्स तो आपने देख लिए, 933% तक इसने रिटर्न दिया है 1 ईयर्स में। और भी देख लेते हैं हम इसके, ये पहले मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ओलेक्ट्रा OLECT, ये आ गया हमारा स्टॉक्स। और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है ये देखो, 596 तक चल रहा है, 996 तक। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है। और ये वन डे में 3.62% तक का इसने रिटर्न दिया है, 20 रुपये बढ़ा है भाई साहब वन डे में। अगर 1 ईयर्स की बात की जाए तो देखो, 933% तक का इसने रिटर्न दिया है, जो 55 लो था और हाई गया था 602 तक। और 1 मंथ की बात की जाए तो 26% तक का इसने रिटर्न दिया है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू को अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, रिटर्न्स FD के बसेस थोड़े कम है, डिविडेंड नहीं दे रही है, एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, कोई भी इस पर रेड फ्लैग नहीं है, ओवरबॉट जोन में नहीं है। वैसे रिटर्न तो इसके सही है, मैंने आपको दिखाए थे 933% तक का इसने 1 ईयर्स में रिटर्न दिया है, तो रिटर्न कहीं तक सही है इसके। और ये मैंने आपको फंडामेंटली में बता ही दिए थे कि मैट्रिक्स। अब हम इसके बात करते हैं फाइनेंशियली ट्रेड के बारे में। और प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये देखो, पूरी वैल्यू करोड़ में है। और ये फाइनेंशियली ट्रेड के बारे में बात करते हैं हम, तो 2018 में जो इसको प्रॉफिट हुआ था 8 करोड़ 89 लाख का हुआ था, 2019 में इसको घाटा हुआ हो गया 15 करोड़ 81 लाख का, और 2020 में इसको प्रॉफिट हुआ 13 करोड़ 53 लाख का, और 2021 में सॉरी इसको फिर प्रॉफिट हुआ 8 करोड़ 8 लाख का। तो इसको एक बार 4 साल के डाटा में एक बार इसको 2019 में ये घाटा हुआ है, 2019 में इसको घाटा हुआ है, 2018 में इसको सही प्रॉफिट हुआ, 20 में सही हुआ और 21 में भी सही हुआ। तो एक तरह का इसका ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो अपर सर्किट में इसका जा रहा है। तो अब फ्यूचर में इसको कोई भी भाई सब प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर इसमें जो भी कोई इन्वेस्ट करता है तो मैं समझता हूँ ये फ्यूचर के लिए स्टॉक्स बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक बस से 70% तक इसका रेवेन्यू आता है। और इसने चाइना की कंपनी से वो एक ज्वाइन भी किया है, AMU पर साइन भी किया है। और सबसे अच्छी बात है इसने रिटर्न्स भी बहुत अच्छा देखने को मिला है, 1 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है, 933% तक का रिटर्न्स देखने को मिला है। लेकिन जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करो तो एक बार आप भी चेक कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।